एलपीजी यानी कि गैस सिलेंडर जो कि लगभग हम में से सभी के घरों में आती है, लेकिन हम में से ऐसे बहुत से कम लोग होंगे जो जानते होंगे कि जो सिलेंडर हमारे घरों में आती है उसकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है। बहुत से लोग बोलेंगे कि आज तक तो हमें सिलेंडर पर कोई एक्सपायरी डेट दिखी ही नहीं। तो चलिए आज हम बताएंगे कि जो हमारे घरों में सिलेंडर आते हैं आखिर उनकी एक्सपायरी डेट लिखी कहाँ होती है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे सिलेंडर पर मेटल की स्ट्रिप होती है साइड में, उसके अंदर की साइड, ये एक्सपायरी डेट कुछ इस तरह से लिखी होती है। अब आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि ये कैसी एक्सपायरी डेट है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ये कैसी एक्सपायरी डेट है। अब मैं आपको बता दूं कि आपको इस मेटल स्ट्रिप पे ए से डी तक के अल्फाबेट देखने को मिल सकते हैं, यानी ए बी सी डी। और ये जो चारों अल्फाबेट है यानी ए बी सी डी, ये सारे अल्फाबेट आपके मंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो ए अल्फाबेट है वो हमारे मार्च मंथ को रिप्रेजेंट करता है, बी जो है हमारे जून को रिप्रेजेंट करता है, सी हमारे सेप्टेम्बर को रिप्रेजेंट करता है और डी हमारे दिसंबर को रिप्रेजेंट करता है। बाकी जो इन अल्फाबेट के साथ में नंबर लिखे होते हैं यानी 13, 14, 15 वगैरह वगैरह जो भी, ये आपके इयर्स को रिप्रेजेंट करते हैं कि किस साल में आपका सिलेंडर एक्सपायर हो जाएगा। जो आप स्क्रीन पे सिलेंडर देख रहे हैं इसकी एक्सपायरी डेट देख के आप मुझे इसकी सिलेंडर की एक्सपायरी डेट चैट सेक्शन में लिख के बताएं कि आखिर इसकी एक्सपायरी डेट क्या होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और चैट सेक्शन में लिख के हमें जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।